ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ICCRC ਬੇਸਡ ਕੰਪਨੀ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਖੰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਇਲਸ ਵੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ, PR, ਟੂਰਿਸਟ, ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਪੌਸ ਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਐਲਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੌਸ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ, ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੇ 'ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਜ ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ, SDS ਕੀ ਹੈ ਜੀ, non-SDS ਕੀ ਹੈ ਜੀ, 5.5 ਜਾਂ 6 'ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਤੀਸਰਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਮਨਾਓ। ਕੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਮਨਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਔਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੈਦਰ ਦਸੰਬਰ, ਜਨਵਰੀ, ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮਣ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਤੀਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਡੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਗਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ, ਬਤੌਰ ICCRC ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੰਚ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਮੈਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ, ਇਸ ਵਕਤ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੇ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ SDS ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ? रणवीर जी, स्टूडेंट्स के लिए हम हर शो में ही मैसेज देते हैं और आज भी मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं वो अभी भी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं। सो स्टूडेंट्स बिल्कुल होपफुल रह के, बिल्कुल पॉजिटिव रह के हमें अप्रोच कर सकते हैं। काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, PG प्रोग्राम्स भी हैं, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स भी हैं, हर एक स्ट्रीम से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो आर्ट्स है, कॉमर्स है, मेडिकल, नॉन मेडिकल। सो देयर इज़ अ बिग लिस्ट ऑफ द कोर्सेज, कॉलेजेस स्टिल अवेलेबल फॉर September 2019। बस एक कंडीशन ये रहेगा कि अगर आप September 2019 के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो बेटर है कि आप अपने कंप्लीट प्रोफाइल के साथ, एक कंप्लीट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के साथ, विच इंक्लूड्स योर मार्कशीट्स, योर सर्टिफिकेट्स, आपका आयल्स, आपका पासपोर्ट, ये सब चीज़ें रेडिली आपके पास अवेलेबल हों और उस ग्राउंड पे आप जो है वो अपने एडमिशन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड एक और चीज़ है कि अभी जैसे अप्रैल का मंथ है, ऑलमोस्ट अप्रैल इज़ फिनिशिंग, सो दिस इज़ द हाई टाइम टू अप्लाई फॉर September 2019, क्योंकि बीच का अगर हम टाइम कैलकुलेट करें तो बीच में 2 या 3 महीने का ही टाइम मार्जिन है। सो इस टाइम पे अगर आप अप्लाई करते हैं अपने एप्लीकेशंस के साथ ऑफ़र लेटर के लिए, तो पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं कि आपका जो ऑफ़र लेटर है वो जल्दी आएगा, 2 या 3 हफ्तों में। कुछ कॉलेजेस हमें ये भी कमिट करते हैं कि विद इन अ वीक आपको जो है वो ऑफ़र लेटर जो है इशू किया जाएगा। सो काफ़ी सारे कोर्सेज का, कॉलेजेस का जो ऑप्शन है जो मैं स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी करना चाहती हूँ। सो आई विल टेक 1 मिनट, आपको मैं सारे कॉलेजेस कोर्सेज का जो है वो एक्सप्लेन कर सकती हूँ। सबसे पहले नियाग्रा कॉलेज की मैं बात करूँगी। काफ़ी टाइम से स्टूडेंट्स जो है वो नियाग्रा कॉलेज के लिए हमें कॉन्टैक्ट कर रहे थे और काफ़ी टाइम से ये जो कॉलेज है वो क्लोज था। सडनली लास्ट वीक इस कॉलेज ने अपने प्रोग्राम्स जो है वो ओपन किए हैं, नियाग्रा कॉलेज। बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं, कंप्लीट लिस्ट है, आप किसी भी स्ट्रीम से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो बिजनेस है या आपका मेडिकल, नॉन मेडिकल, कुछ भी तरीके से। लेकिन बिजनेस में भी काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, बिजनेस अकाउंटिंग है, बिजनेस फाइनेंस है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, बिजनेस मार्केटिंग है, बिग लिस्ट ऑफ कोर्सेज। कंप्यूटर अगर आप टच करते हैं तो कंप्यूटर से रिलेटेड काफ़ी सारे प्रोग्राम हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग टेक्नीशियन, कंप्यूटर प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, नेटवर्किंग, हार्डवेयर, लॉट मैनी प्रोग्राम्स रहते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे प्रोग्राम्स भी हैं जो स्टूडेंट्स को नए प्रोग्राम्स लग सकते हैं। कुछ नए स्ट्रीम्स हैं जो मेडिकल, नॉन मेडिकल स्ट्रीम के लिए, जैसे एनवायरमेंटल टेक्नीशियन या एनवायरमेंटल मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स हैं, जिसके लिए आप अगर फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं तो आप इन प्रोग्राम्स को टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो आर्ट स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स हैं वो फिटनेस, हेल्थ मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम्स या स्पोर्ट्स सेल्स मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम को आप टारगेट कर सकते हो। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, पर्सनल सपोर्ट वर्कर या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट, अ बिग चॉइस इज देयर इन नियाग्रा कॉलेज। सो नियाग्रा कॉलेज में आपकी जो एडमिशन रिक्वायरमेंट है,
क्लियरली उन्होंने अपने वेबसाइट पे ये लिखा है कि हम जो प्रेफरेंस है वो 6 in each bands वाले स्टूडेंट को देंगे, और उसके बाद भी अगर हमारी सीट्स वेकेंट रहती हैं तो हम 6 overall 5.5 के साथ भी आपके एप्लीकेशंस को एंटरटेन कर सकते हैं. सो मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट्स जिनका 6 overall 5.5 अगर है लेकिन परसेंटेज बहुत अच्छा है, वो इस कॉलेज के लिए अपने एडमिशन्स को प्रोसेस कर सकते हैं. इसके अलावा सेंट क्लेयर कॉलेज है जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसके अलावा अंडर ग्रेजुएट लेवल पे काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं. अगेन आई वुड से बिजनेस है या कंप्यूटर्स है या किसी भी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, लॉट मेनी प्रोग्राम्स आर देयर. अगेन लॉयलिस्ट कॉलेज का नाम मैं ज़रूर लेना चाहती हूँ, टोरंटो में है लॉयलिस्ट कॉलेज. पर्टिकुलरली मैं पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को अनाउंस करना चाहती हूँ. 6.5 overall 6 in each के साथ आपके एडमिशन्स हैं. जो भी स्टूडेंट्स पीजी प्रोग्राम्स को टारगेट करना चाहते हैं लॉयलिस्ट कॉलेज को टारगेट कर सकते हो आप. दे हैव पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, पब्लिक रिलेशंस, इवेंट मैनेजमेंट के स्पेशलाइजेशन के साथ है. इसके अलावा स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग. स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए पर्टिकुलरली जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बीए किया हुआ है, बैचलर ऑफ आर्ट्स किया हुआ है, वो इस प्रोग्राम को टारगेट कर सकते हैं. इट्स अ वेरी गुड प्रोग्राम. इसके अलावा सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट, मेनी प्रोग्राम्स लॉयलिस्ट कॉलेज 6.5 overall 6 in each के साथ है. कैपिलानो यूनिवर्सिटी का नाम मैं ज़रूर लेना चाहती हूँ, ब्रिटिश कोलंबिया में है. इट्स अ वेरी फेमस एंड वेरी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया. सो इसका एक पीजी लेवल का प्रोग्राम है जिसको हम नाबू कहते हैं, नॉर्थ अमेरिकन बिजनेस प्रोग्राम. 2 years की ड्यूरेशन के साथ है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है. इसके लिए आप हमें अप्रोच कर सकते हैं. सारे स्ट्रीम के स्टूडेंट्स इस कॉलेज इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए, कैपिलानो यूनिवर्सिटी के लिए टारगेट कर सकते हैं. प्रोग्राम अभी ओपन है. इसके अलावा अंडर ग्रेजुएट लेवल पे एसोसिएट डिग्रीज हैं कंप्यूटर में, साइंस में, आर्ट्स में, जो आपको लीडिंग टू डिग्री होती हैं. सो ये वाले कोर्सेज को भी आप टारगेट कर सकते हो कैपिलानो यूनिवर्सिटी में. एडमिशंस अभी भी ओपन हैं, आप हरी अप मोड पे हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो. इसके अलावा वी हैव मेनी मेनी अदर ऑप्शंस, लेकिन कनकोडिया यूनिवर्सिटी का पर्टिकुलरली मैं नाम लेना चाहती हूँ. दे हैव मेनी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स उनके मॉन्ट्रियल क्यूबिक कैंपस में. कनकोडिया यूनिवर्सिटी क्यूबिक में मॉन्ट्रियल कैंपस में 6 in each के साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो. एडमिशंस आर गोइंग ऑन. सॉल्ट कॉलेज पीजी प्रोग्राम, पीजी बिजनेस 6 in each के साथ स्टिल ओपन. जो स्टूडेंट 6.5 किसी वजह से नहीं ले पाए हैं, जिनके 6 in each हैं या अगर ये स्कोर उनके पास है, तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सॉल्ट कॉलेज में आप टारगेट कर सकते हैं. मैट्रिक्स कॉलेज क्यूबिक में 6 in each के साथ देर आर लॉट मेनी प्रोग्राम्स. कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी, ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सिविल इंजीनियरिंग, सो बिग चॉइसेस देयर. इसके अलावा लेकलैंड कॉलेज अल्बर्टा में डिप्लोमा एनवायरमेंटल साइंसेस, वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज. ये पर्टिकुलरली बायो स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स हैं, हम यूजुअली देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो किया है. जो लोग डेंटिस्ट्री में एडमिशन नहीं ले पाते या नर्सिंग में एडमिशन नहीं ले पाते या फार्मेसी फिजियोथेरेपी में एडमिशन नहीं ले पाते, सो ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं वो इस पर्टिकुलर डिप्लोमा को टारगेट कर सकते हैं. इट्स टोटली रिलेटेड टू योर बायो एंड बोटनी. इट्स अगेन मैं कॉलेज डिप्लोमा का नाम कह रही हूँ, डिप्लोमा इन एनवायरमेंटल साइंसेज, वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज की स्पेशलाइजेशन के साथ है. मुझे ऐसा लगता है कि बॉयज़ जो हैं जिनके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, वो इस प्रोग्राम के लिए ज़्यादा अप्लाई कर सकते हैं और बेनिफिशियल भी रह सकते हैं. सो दीज आर द कोर्सेज. इसके अलावा देयर इज़ अ ह्यूज लिस्ट, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं जिसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. लेकिन बेटर होगा कि आप अपने कंप्लीट प्रोफाइल के साथ आएँ जिसमें कोई भी पेंडिंग चीज़ ना हो, ताकि इमीडिएटली आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो. ऑनलाइन सिस्टम्स हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं, आप सुबह एप्लीकेशन डालोगे, रात को कैनेडा ओपन होता है. सो सिचुएशन जो है, प्रोग्राम कितने वैकेंट हैं कितने नहीं, वो हर नई सुबह जो है, हर अर्ली मॉर्निंग जो है, वो प्रोग्राम का सिचुएशन, कॉलेजेस का जो सिचुएशन है वो डिफरेंट होता है. सो आप काइंडली जल्दी अपने एडमिशन्स के लिए हमें अप्रोच. शिवानी जी, तुसी स्टार्टिंग दे विच स्पोर्ट्स दे नाल रिलेटेड कुछ कॉलेज ते कोर्स दा जिक्र कीता है. पंजाब च बहुत सारे बच्चे बीपीएड, डीपीएड, एमपीएड पए ने, उन्होंने कोई गाइड नहीं करता स्पोर्ट्स के नाल रिलेटेड. सो कैनेडा बारे थोड़ी जी मैं ज़्यादा डिटेल दे विच नहीं जाना चाहूँगा. स्पोर्ट्स
ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੀ ਐਡ ਸੋਰੀ ਬੀ ਪੀ ਐਡ ਡੀ ਪੀ ਐਡ ਐਮ ਪੀ ਐਡ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਕਸੈਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਆਪਕਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਸਟ੍ਰੀਮਸ ਹੈ ਅਭੀ ਵੀ ਹਮਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਮੇਂ ਜਿਨਕੋ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਤਨਾ ਗਾਈਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਤਾ ਜੋ, तो फिर पर्टिकुलरली जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बैचलर ऑफ़ फिज़िकल एजुकेशन किया है, मास्टर ऑफ़ फिज़िकल एजुकेशन किया है या इस तरीके के जो कोर्सेज़ किए हैं, उनके लिए काफ़ी सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कनाडा आपको ऑफ़र करता है, लेकिन आपको उस चीज़ के लिए पर्टिकुलरली वर्कआउट करना पड़ता है। अभी एक प्रोग्राम जो मैंने रिसेंटली जस्ट नाउ एक प्रोग्राम मैंने अनाउंस किया है लॉयलिस्ट कॉलेज में, दिस इज़ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट सेल्स एंड मार्केटिंग। सो ये एक स्पेशलाइज्ड कोर्स है और जितने भी फिज़िकल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स हैं वो इस कोर्स के लिए आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड ये कोर्स जो है पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है, आपको जो इंग्लिश रिक्वायरमेंट रहेंगे 6.5 ओवरऑल 6 इन ईच के साथ अप्लाई कर सकते हैं। सो ये हमेशा आपके लिए जो वो बेनिफिशियल हो सकता है। सेकेंडली, कैनेडा स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, सो जो लोग इस कोर्स के लिए पर्टिकुलरली कैनेडा जाएंगे वो काफ़ी बेनिफिशियल हो सकते हैं और उनको स्कूल्स में, कॉलेजेस में या रिक्रिएशनल सेंटर्स में अच्छे जॉब्स जो है वो मिल सकते हैं। इसके अलावा रिक्रिएशनल मैनेजमेंट या रिक्रिएशनल थेरेपी का भी जो कोर्स है वो पर्टिकुलरली स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोर्स है। सो जो भी लोग फिजिकल एजुकेशन जिन्होंने किया हुआ है, बी पी एड या एम पी एड किया हो, वो इन कोर्सेज के लिए हमें अप्रोच कर सकते हैं। मैम एक क्वेश्चन पूछूंगा जी, पिछले जो बहुत सारी रिफ्यूजल्स देखने को मिली हैं, जो बच्चे दे माँ प्यो अपने बच्चों को जाना चाहते सी मिलन या कन्वोकेशन का समा सीगा, बहुत रिफ्यूजल आई हैं, की कारण है? सही समय से एप्लीकेशन नहीं गई, एप्लीकेशन कोई प्रॉब्लम सीगी, की वजह की हुई है, तो यह सही रस्ता की है? देखिए रणवीर जी, अभी कॉन्वोकेशंस का ही टाइम है, जो स्टूडेंट्स अपने डिग्रीज कंप्लीट कर चुके हैं उनके कॉन्वोकेशंस जो हैं वो जून के मंथ में मैक्सिमम कॉलेजेस में रहती हैं। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि कॉन्वोकेशन एक ऐसा ओकेज़न है, एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को 100% वीज़ा मिलता है। ये पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है, ये मैक्रो ग्लोबल का एक्सपीरियंस है कि जब भी आप कॉन्वोकेशन के लिए आप अप्लाई करते हैं, इमिग्रेशन आपको हैप्पीली वीज़ा देती है। लेकिन कंडीशन हमेशा ये रहता है कि आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है, आपका जो फाइल वर्क है, वो बहुत ही नाइसली, वो बहुत ही प्रॉपरली होना चाहिए। और मैंने ये देखा है, हम डेली बेसिस पे, आजकल ये सीज़न है तो बहुत सारे लोग हम लोगों को कॉन्वोकेशन के लिए टारगेट करते हैं और हम ऐसे भी कैंडिडेट्स को देख रहे हैं जिनका जो है वो वीज़ा रेफ्यूज़ हुआ है, प्रोवाइडेड उन लोगों ने बहुत सारे फंड्स भी शो किए हैं। कल हम लोग खन्ना ऑफिस में थे, वहीं पर हमारे पास एक कैंडिडेट ने हमें अप्रोच किया, पेरेंट्स ने अप्रोच किया, उनका वीज़ा जो है वो कनाडा के लिए कॉन्वोकेशन के लिए रिफ्यूज़ हुआ था एंड दे वर वेरी फ्रस्ट्रेटेड। और जब मैंने उनका प्रोफाइल चेक किया, दे हैड शोन सफिशिएंट बैलेंस इन हिज अकाउंट, उनका 10-11 लाख का बैलेंस भी था और उनका जो उनका बेटा है वो अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा है। लेकिन अल्टीमेटली हम लोगों ने क्या चीज़ ऑब्जर्व की कि उन्होंने नवा शहर में किसी रोड साइड पर बैठे कंसल्टेंट से या किसी भी एडवाइज़र से फॉर्म फिल करवा के एप्लीकेशन फाइल करवाया और अल्टीमेटली वो एप्लीकेशन प्रॉपरली नहीं सबमिट हो सका और रिजर्व वॉज द रिफ्यूजल। सो मैं ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि दिस इज़ अ वेरी फाइन आपके लिए मोमेंट है कि आप कॉन्वोकेशन के लिए अप्लाई करें, लेकिन आप एक और जेंटल डिसीजन लें कि आप अपना कंसल्टेंट जो है वो बहुत केयरफुली आप चूज़ करें ताकि आपकी फ़ाइल में किसी भी तरीके के कोई जो हैं वो वीकनेसेस या कोई मार्जिन ऐसे ना रह जाएं जिस ग्राउंड पे आपका रिफ्यूज़ल हो। मैं ज़रूर ये मैसेज देना चाहती हूँ कि कॉन्वोकेशन के लिए हाई कमीशन बहुत ही सॉफ्टली आपका जो है वो एप्लीकेशन प्रोसेस करती है और इमिग्रेशन ये अंडरस्टैंड करती है कि पेरेंट्स के लिए काफ़ी बड़ा एक फेस्टिवल हो सकता है उनकी लाइफ का, अपने बच्चे को डिग्री लेते हुए देखना। सो इसके लिए ओपनली जो है वो इमिग्रेशन वीज़ा देती है। सो पेरेंट्स ये खास ध्यान दें कि आप अपना जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, वो चाहे आपके आईडी प्रूफ हैं, आपके एम्प्लॉयमेंट प्रूफ हैं या आपकी सेविंग्स हैं या कुछ भी चीज़ें हैं, उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बहुत केयरफुली कंपाइल किए जाएँ। और मैं एक और चीज़ मैसेज करना चाहती हूँ कि हम लोगों ने पर्सनली ये भी प्रैक्टिस किया है कि कॉन्वोकेशन के टाइम पे जब आप अपना वीज़ा अप्लाई करते हो तो कहीं ना कहीं इमिग्रेशन आपके फाइनेंसेस को भी इतना ज़्यादा वेटेज नहीं देती। अगर आपके पास अपना ट्रिप कवरअप करने जितना पैसा अगर आपके अकाउंट में है तो दैट इज़ इनफ, आपको ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि 10-12 लाख हो या इनकम हो या सोर्स ऑफ इनकम जो भी है। सो नॉर्मली आप अगर अपना ट्रिप कवरअप करने जितना अमाउंट दिखा सकते हैं 4-5 लाख, तब भी आपका जो है वो वीज़ा आपको मिलता है।
आप अपने सक्सेसफुल रिजल्ट के लिए एक ICCRC मेंबर को ही मैं कहूँगी कि आप अप्रोच करें, ताकि आपकी एप्लीकेशन में किसी तरीके की कोई जो है वो रिस्क ना रहे। ICCRC नूं कानून पढ़ाया जाता है, एक कोर्स करवाया जाता है, 6E नाल करवाया जाता है, बहुत सारिया नियमों के देखरेख तहत ICCRC जिहड़े मैंबरस ने तैयार किए जाते हैं। इन्हां दे की बेनीफिट ने एक वीडियो भी दिखावांगे, कुछ मैक्रो ग्लोबल दे वीज़ाज लगे वो भी दिखावांगे। उस तो पहला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितों अज शुरुआत की सी कि पंजाब दे विच सितंबर अक्टूबर च एडवर्टीजमेंट छपनी शुरू होंदी कि तुसीं नवां वरा कैनेडा मनाओ, US मनाओ, खासकर कैनेडा दी ऐड आउंदी है, या तुसीं क्रिसमस मनाओ, छुट्टियां दे विच मनाओ। मेरा एक डॉट हमेशा रहिंदा, मैं कदे मुद्दा छेड़िया नहीं इस प्रोग्राम दे विच, ठीक है नवां साल हुंदा, लोकां नूं जाना चाहीदा, लोग शिमले भी जाते हैं, होर बथेरी जगह जाते हैं, ठीक है क्रिसमस भी होंगी है। मेरा सवाल मैम तुहाडे लई है, किन्ने क लोग ने जिन्ने कसी क्रिसमस मनाउंदे आ, दिलों मनाउंदे आ, एक बहाना साडे लई उत्थे जाण दा कि इह कनेडियन अंबैसी हाई कमिशन वीजे वाले नहीं जाणदे, दूसरा कि यह मौसम बहुत वधिया साडे लई पंजाबियों लई घूमण वाला। यह मैं सवाल तां पुछ रहा कि जिहड़ा मौसम घूमण वाला उहनूं प्रमोट नहीं किया जाता, हुण अगे वैदर सितंबर तक किन्ना वधिया कैनेडा च, वीज़ा भी लगनगे, विक्टोरिया डे भी है, कैनेडा डे भी है, हुण कोई ऐड नहीं आ रही नवें साल दी ते क्रिसमस दी बड़ी ऐड आउंदी है। रणवीर जी, मैं सिंपली इस चीज़ को कनेक्ट करूँगी लैक ऑफ अवेयरनेस के साथ या फिर रॉन्ग प्रैक्टिसेस के साथ। मुझे लगता है कि जो लोग भी कनाडा का काम करते हैं ऑथेंटिकली या फिर विदाउट लाइसेंस या किसी भी तरीके से जो लोग कनाडा की सर्विसेज देते हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारा एक ऐसी स्ट्रेंथ है जो प्रॉपरली अवेयर्ड ही नहीं है, या उन लोगों को जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं या जो रिक्वायरमेंट्स हैं या किस तरीके से कनाडा को प्रमोट करना चाहिए ये नॉलेज ही नहीं है, और वो अल्टीमेटली कस्टमर को मिसगाइड करते हैं। सो आपका बहुत ही एक जस्टिफाइड सा क्वेश्चन है कि एग्जैक्टली यही टाइम है, समर्स का ही टाइम है जब कनाडा को जो है वो प्रॉपर लेवल पे जो है वो प्रमोट करना चाहिए। कनाडा डे है या विक्टोरिया डे है, या आप अपने बच्चों से भी मिलने के लिए जाना चाहते हैं, सो कनाडा इज वेरी वैसे भी घूमन जाना है, तभी मौसम खुला। जी हाँ जी, सो ये चीजें जो है कनाडा डे या विक्टोरिया डे या ये वाला जो सीजन है इसको इतने पता नहीं ना किसी ने पंजाब, जी हाँ इसका अवेयरनेस ही नहीं है, जैसे कि मैंने कहा लैक ऑफ नॉलेज है, और ये चीज प्रमोट ही नहीं की जाती। और अल्टीमेटली जिस चीज को टारगेट किया जाता है वो है क्रिसमस एंड न्यू ईयर। और मैं आपका जिस तरीके से आपने ये अवेयरनेस जरूर हो सकती है कस्टमर के लिए कि कनाडा इज वेरी अनबियरेबल, अगर हम देखें दिसंबर जैन फेब का जो टाइम है वो बहुत ही ज्यादा बर्फीले तूफान आउंदे ने, आप घर से बाहर ही नहीं निकल, स्कूल जो छुट्टियां हो जानी है तो तुहानू कौन कमाएगा, पता नहीं हुण वर्ड यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कमाल है। जी हाँ जी, सो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत उस टाइम पे जो वीजा सक्सेस रेट है वो भी बहुत ज्यादा लिमिटाइज रह जाता है, और मुझे लगता है कि उस टाइम पे जो स्ट्रेंथ मिलती है या जो बेनिफिट मिलता है वो बहुत ही लिमिटेड केसेस में मिलता है, जहाँ पे आपका क्रिसमस पे कोई एडिशनल फंक्शन हो या न्यू ईयर के साथ आप कोई एडिशनल फंक्शन रखते हो, अनटिल आपकी जो फैमिली कनेक्शंस हैं बहुत बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, आप अपने बेटे या बेटी के पास जा रहे हो या कोई न्यू बॉर्न बेबी है या किसी का मैरिज है, कुछ भी ऐसा। सो इन केसेस के साथ जब आपका जो फेस्टिवल कलेबरेट होता है तो आपकी वीज़ा पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जहाँ लगता है कि इट्स मैंडेटरी फॉर यू टू ज्वाइन द फंक्शन इन कैनेडा, जहाँ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है फंक्शन अटेंड करना, वहाँ वीज़ा की जो है पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा रहती हैं। इनफैक्ट मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि दिस इज़ द टाइम, ये जो समर्स वाला टाइम है, आप अपने जो भी रिलेटिव्स वहाँ पे हैं, आपके ब्रदर सिस्टर्स हैं या बच्चे हैं या जो भी हैं, आप उनको कह सकते हैं कि वो आपको इस सीज़न में आपको जो है वो इन्वाइट करें, ताकि आप एक्चुअली प्रैक्टिकली जाके कैनेडा को इन्जॉय कर सकें, एंड वीज़ा ऑफिसर को भी एक जो है वो जस्टिफाइड सा रीज़न मिले आपको वीज़ा देने का कि दीज आर द समर्स, कैनेडा इज़ वेरी ब्यूटीफुल दीज डेज, तो आप जाके इस ब्यूटीफुल समर्स वाले टाइम में आप अपने बच्चों के साथ अपनी फैमिली के साथ कैनेडा को इंजॉय कर सकते। थैंक यू जी, बहुत मेहरबानी। हूँ तुम वीडियो क्लिप दिखावे ICCRC की इंपॉर्टेंस दिखावे, उस तो बाद असं गल करा विद्यार्थियों के या टूरिस्ट वीज़ा वाले लिए अगे स्टैप की होएगा, पर इन्हें वीडियो क्लिप्स तो बाद। हर साल दुनिया भर विचों लोग कैनेडा आने वास्ते अर्जी देते हैं, बहुतियां कोल हुनर अते सिख्या है जिस दी कैनेडा नू लोड़ है, जां उह अपने परिवार दे मैंबरां नू मिलण आउंदे हन कुछ घूमण पढ़न वास्ते जां आरजी तौर ते काम करन आउंदे हन, दूसरे सुरक्षा ते आज़ादी लभदे हन। कैनेडा विच आवास करना जिंदगी बदलण वाला तजर्बा हुंदा है, एक बहुत ही अहम फैसला जो किसी ने बनाउणा हुंदा है, इस करके बहुते आवासियां नू अर्जी दी कारवाई विच मदद की लोड़ हुंदी है। कुछ लोग इमीग्रेशन लई मदद करन वास्ते अपनियां सेवावां पेश करदे हन।
पर बहुतियां नूं इह करन दी इजाजत नहीं हुंदी। कैनेडियन इमीग्रेशन लई फीस लै के मशवरा देना गैर कानूनी है। जे ओह कैनेडियन ला सोसायटी, क्यूबैक चैंबरस ऑफ नोटरीज जां ICCRC गैर प्रमाणित नुमाइंदियां नूं $1,00,000 तक जुर्माना हो सकता है जां 2 साल तक लई जेल भेजा जा सकता है। ICCRC ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਭਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। Hi, I am Gautam. I just got in my visa for study in Canada through Metro Vancouver Immigration Services. And you know, they were very friendly throughout the entire process and it was quite easy. They made it quite easy for me. And I'm really thankful to Shivani ma'am and Sanjay sir for all the assistance they gave to me. And I really prefer, you know, and suggest everyone to, you know, just consult them in case they are thinking for studying in Canada or even for PR. My name is Gurpreet Singh. मैं मंडी डब्बल ही हरियाणा तो बिलोंग करदा। मेरी स्पाउस एप्लीकेशन की फाइल PR लगी सी जो कि 6 तो 7 महीने केस PR आ गई मेरी और मैं अपना केस माइक्रो ग्लोबल तो लगवाया सी जो कि ICCRC दे अंडर है और मैं संजय सर और शिवानी मैम का बहुत धन्यवाद। सो ये विद्यार्थी सी जी, ये वीडियो क्लिप सी तां दिखाई गई है कि किसी भी एडवर्टीजमेंट के पिछे टैक्नीकल सच जाणो। उन्होंने तुहाडियां फाइलां इकट्ठियां करनियां, 20-30 हज़ार रुपया तुहाडे तों लै लेना, फाइल पा देनी है, 100 इकट्ठियां होईयां, 5 वीज़े दा आई जाणे ने। सो 95 बंदे नुकसान ना कराओ। राइट टाइम कैनेडा दे विच घूमण दा हुण हैगा, गर्मियां ने, मौसम खुल्ला हैगा, हुण अप्लाई करो, खुल के अप्लाई करो, किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं। चलते चलते मैम कुछ खास मैक्रो ग्लोबल बोलो। मैं मैक्रो ग्लोबल की तरफ से यही मैसेज देना चाहती हूँ कि हम लोग कैनेडा के ICCRC मेंबर हैं और हम ये कमिट करते हैं कि आपको हमारे डेस्क से जो भी सर्विसेज मिलेंगी वो बिल्कुल ऑथेंटिक सर्विसेज होंगी, उसमें किसी तरीके का कोई रिस्क नहीं होगा। सो आप अपनी हर तरीके की एप्लीकेशन के लिए, चाहे आप स्टूडेंट हैं या आप पेरेंट्स हैं किसी के, या आप किसी भी तरीके की सर्विस अगर आप लेना चाहते हैं तो काइंडली आप हमें अप्रोच करें, आप हमसे सर्विसेज के लिए अप्रोच करें ताकि हम आपको सक्सेसफुल रिजल्ट्स जो हैं वो दे सकें। थैंक यू जी, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। दर्शकों का भी धन्यवाद। तुसी वधेरे जानकारी लिए साडे यूट्यूब चैनल देश प्रदेश लाइव ते जाके सर्च कर सकते हो देश प्रदेश प्रोग्राम। धन्यवाद, शुक्रिया।